फोन रिकवर हो, हाँ उनके फोन रिकवर होने से काफी मतलब पुलिस को एविडेंस मिलेगा जो इनके मतलब फेवर में बात करेगी। हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, आदिल के फोन रिकवर करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में होती है, तो आदिल का पूरा खजाना, पूरा क्राइम, पूरा जितना भी पॉलिटिक्स, जितना भी उसने जो किया है लड़कियों के साथ, जो एक मैसूर की लड़की भी केस करी है, तो वो उसके भी वीडियोस उस फोन में, मैं तो बीवी हूँ, मेरे भी वीडियोस हैं, वो बेल लेके चला जाएगा, पुलिस क्या तभी रिकवर करेगी जब उसके हाथ में फोन आ जाएगा, सारे सबूत मिटा देगा, क्या करेगी पुलिस बताइए ना आप मुझे, मैं किसके पास जाऊं। अभी हमने डीसीपी को बताया है, अनिल पारस्कर जी को, कि प्लीज सर इन आदिल के फोन रिकवर करें जो उसने छुपा दिए हैं। पुलिस मुझे पूछ रही है उसका फोन कहाँ है, मुझे क्या मालूम उसके फोन कहाँ है, जब वो कंप्लेंट ले उसको पकड़ के लाया था तो उसके हाथ में थे फोन, तभी पूरा एक दिन दो फोन थे, दोनों आईफोन थे, उसने गायब करवा दिए। आदिल ने अपने घर पे मैसूर में पहुंचा दिए हैं उनको, डैडी को, उनके डैडी को बुलाया जाए मुंबई, उनके हाथ में है फोन। दिस इज परेशान हूं मैं, बहुत परेशान। इस बीच आदित्य के घर से कोई फोन या मैसेज आया था मैसूर से, इस बीच आदित्य के घर से कुछ फोन होना आया था कि हाँ उनके लिए, उनको मालूम है उनका बेटा बहुत बड़ा सेटिंग बाज है, वो छूट जाएगा। ये मुंबई कोर्ट है, ये मुंबई पुलिस है, आसानी से कुछ नहीं होगा, जितनी सेटिंग करनी है कर लो। राकेश सावंत का केस है, देखेंगे कौन सेट हो रहा कौन नहीं हो रहा, मैं भी मीडिया के सामने सारा चट्टा बट्टा खोलूंगी, लाऊंगी, शांत बैठने वालों में से नहीं हूं मैं भी। बस थैंक यू, ओके।